भिवंडी पश्चिम के भाजपा विधायक महेश चोगले व अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में रविवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दामनकर नाके पर किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरोध प्रदर्शन में विधायक महेश चोगले ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री निलंबित हुए पुलिस अधिकारी सचिन वंजे को उनके लिए 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहा है हर महीना। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पन्नों का पत्र लिखा है। यह मामला पूरा खुल गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम भड़क गए। मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह को हटाया गया है। उसी तरह गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी राजीनामा ले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसा जोर शोर पर नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दामनकर नाके पर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक महेश चोगले, महासचिव राजू गाजंगी, प्रेम नारायण राय, नगर सेवक यशवंत टावरे, नीलेश चौधरी, एडवोकेट जयवंत, रवि पाटिल, के वासम राजेंदर, कोंका मल्लेशम, मोहन कोंडा, डॉक्टर चन्ना राजमल्लैया व आदि मान्यवर उपस्थित थे। बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो। बाला साहब ने नाम कमाया, उद्धव ने मिट्टी में मिलाया। बाला साहब ने नाम कमाया, उद्धव ने मिट्टी में मिलाया। बाला साहब ने नाम कमाया, उद्धव ने मिट्टी में मिलाया। बाला साहब ने नाम कमाया। अवस्था देख के पूरा महाराष्ट्र एक दुखमय और ऐसे भ्रष्ट लोगों के से परेशान है, क्योंकि ऐसे झूठे लोग जो ठाकरे सरकार है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से और महाराष्ट्र के जनता से विश्वासघात किया था, जैसे हमारे साथ लड़ी, लेकिन कुछ लालच के लिए उन्होंने फिर ये भ्रष्ट लोगों से, राष्ट्रवादी और कांग्रेस से अपना दामन थाम लिया। और उसके वजह से आज तक जो 1.5 साल होने आए हैं, ये भ्रष्ट अपना काम करते ही जा रहे हैं, अपना गंदा काम जैसा करते थे जो 70 साल ये कांग्रेस ने किया, उसके मिल के अभी ये तीनों पार्टी कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को जो वादे किए थे वो तो कभी पूरे नहीं किए। शेतकरियों को कहा था क्या उनके खेत में जाके क्या उनको पूरा कर्जा माफ कर दे, वो माफ हो नहीं पाए। ऐसे अभी कोरोना के टाइम पे पूरे देश में सबसे ज्यादा रेशियो होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेशियो है। क्या सरकार कर क्या रही है? कुछ सेवा नहीं, कुछ ये नहीं। क्योंकि इधर के लोग जो उत्तर भारतीय थे, बाहर प्रांत से आए थे, वो लोगों को कुछ सहकार्य नहीं, उल्टा लोगों को तकलीफ हुई इधर हुई। और आम लोगों ने जितना कर सके उतना काम किया है, लेकिन ये सरकार चुप बैठी थी, कुछ कर नहीं थी। और उसमें भी उन्होंने कोरोना टाइम पे क्या क्या किया, कोरोना सेंटर पे भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार, ऐसे काम ये सरकार कर रही थी। संजय राठौर का मामला है, संजय राठौर के टाइम पे भी उसकी आत्महत्या हुई, सरकार उसको दबा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत उसका मैटर हुआ, उसमें ठाकरे सरकार का परिवार का नाम आ रहा था, लेकिन उसको भी ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को दम दे के उनसे काम करा के, ऐसा काम करा के लिया, वो हत्या को दबाने का कोशिश कर दी। आज जो अधिकारी है, जो अपन सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसको, मुंबई कमिश्नर, उनको सब उनको लेके वो वजह को, वजह जो सस्पेंड था इतने सालों से, उसको सिर्फ वसूली के लिए ठाकरे सरकार ने फिर लिया। और आज वो ओपन हुआ क्या उसको 100 करोड़ रुपया महीने को देने के लिए बोले थे। तो महीने का 100 करोड़ रुपया अगर सरकार ये पुलिस अधिकारी उसको मांगेगी तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? यानी आज हम देख रहे हैं क्या छोटे छोटे पान पट्टी, भाजी के दुकान, ठेले सब बंद है, लेकिन बार वो तो चालू है। क्योंकि उन्होंने कहा था बार से तू महीने का 3 लाख रुपए लेगा वो भी आया तेरे को 60 करोड़ रुपए ऐसे ही हो जाए 60, तो तेरे को 100 करोड़ कितनी बड़ी बात है। ये ऐसा आज परमवीर सिंह ने कहा है, तो उसको ऐसा कहा गया। यानी ये सरकार ऐसी है कि जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जिनको कोई जनता से मतलब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे सरकार का आज पर्दाफाश हो रहा है। तो हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे सरकार को बर्खास्त किया जाए, और जो अधिकारी है जिन्होंने आज जो काम किया है
मैंने समझो आज अनिल देशमुख ने जो मंत्री है उन्होंने जैसे अधिकारियों को काम किया है और ऐसे 22 डिपार्टमेंट है, वो 22 डिपार्टमेंट में अलग अलग मंत्री है, सबको खड़े करके उन्होंने क्या क्या गलत किया है सबकी इंक्वायरी लगनी चाहिए और ये सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है और सही में ये ठाकरे सरकार सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती है, सिर्फ हाँ भैया क्या शिवाजी महाराज के पुत्र है यह है और तो ठीक है, लेकिन हम भी शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, लेकिन शिवाजी महाराज के पुत्र में ऐसे गंदे काम करने के लिए नहीं रखा लोगों को, तुम ऐसी गंदे हरकतें करते हो। पुलिस डिपार्टमेंट जो अपनी जनता की संरक्षण करने के लिए उनसे तुम हाथ काले करा के ले रहे हो, तो तुम कैसे सरकार हो, तुम हमारे महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हो, तो ऐसे सरकार को यह गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं। तो हम सबकी मांग है ये गद्दी से उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख तुरंत इस्तीफा दे और ये महाराष्ट्र को अच्छी तरीके से पहले जैसा चलता था वैसे चलने दे, यहाँ के पुलिस को ऐसा दम घुटते हुए उठा के मत रखो, यहाँ के पुलिस को अपने खुले सांस लेने दो और जनता की जो सेवा करनी है वो उनको करने दो, यही हम बोलने आए हैं। इसके लिए आज पूरे देश में पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन है और इनको जरा भी शर्म होगी कि अपने से कई सारी गलतियां हुई तो इन्होंने तुरंत अपनी राजीनामा देना चाहिए। इतना ही बोलता हूँ, भारत माता की जय।